की हूँ तो आपने कई प्रतिमाएं देखी होंगी। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ हनुमान जी का एक दिव्य रूप दिखा रहा हूँ। ये उनकी पूंछ है, बस इससे अंदाजा लगाइए। और उसके बाद में ये भव्य और विशाल काय प्रतिमा, वाह, बहुत ही सुंदर रूप है हनुमान जी का। और मैं कोशिश करता हूँ और पीछे से आपको उस रूप को दिखाने की। यहाँ अब भी काम चल रहा है और ये है इंदौर का पितृ पर्वत। तो इंदौर शहर में इस तरह का कोई पर्वत बना हुआ है ये जानकर आपको जरूर थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लेकिन ये अब धार्मिक और आध्यात्मिक लिहाज से खास तौर पर हनुमान भक्तों के लिए एक बहुत बढ़िया तीर्थ स्थल बनता जा रहा है। ये कल ही मुझे पता लगा कि अष्ट धातु की प्रतिमा है और 108 फीट इसकी ऊंचाई है, बहुत ही भव्य है। इसके समक्ष खड़े होकर तो एकदम दिव्य दर्शन बजरंगबली के मिल रहे हैं। और जयपुर में इसके अलग अलग हिस्सों को बनाया गया था, फिर यहाँ लाकर इस प्रतिमा को और इसके हिस्सों को असेंबल किया गया है। इस पर अब भी कार्य चल रहा है, हालांकि कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, फिर भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। ये विशाल काय गदा हनुमान जी की और ये हनुमान जी का दिव्य स्वरूप। तो इंदौर शहर में यूं तो देखने लायक कई चीजें हैं, लेकिन आपका जब भी आना हो इंदौर तो आप जरूर पितृ पर्वत पर पहुंचे। बीजासन मंदिर से सीधे आप जब गोमटगिरी की तरफ जाते हैं तो कुछ ही दूरी पर ये पितृ पर्वत का रास्ता है, मेन रोड पर ही ये रास्ता मिलेगा। और इंदौर अब तो यूं घना एक शहर हो गया है, लेकिन ये इलाका अब भी आपको दूर दूर तक हरियाली जैसी दिखाई देगी। और वाह, सचमुच आज बड़ा ही दिव्य आनंद इस स्वरूप को देखकर मिल रहा है। ओम हनुमान अंजनी सुनो वायु पुत्रो महाबला, रामिष्ठ फाल्गुण सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमा, उदरी क्रमण शैव सीता शोक विनाशनः, लक्ष्मण प्राण दाता च दश दिवस दर्पहा, द्वाद शैतानी नामानी कपिंद्रस्य महात्मना, स्वाप काले पठे नित्यम यात्रा काले विशेषता, तस्य मृत्यु भयम् नास्ति सर्वत्र विजय भवे। जय श्री राम।